खोली से खोली से। कहाँ ले आए मुझे? अस्पताल में। मेरे घर वाले कहाँ हैं? कोई नहीं आया तेरे घर से। ओए ओए सारी नसें खींच रही है। मेरे पेट में दर्द क्यों रहा इतना? 36 लोगों से मार खाई है, हाथ में चोट है, सर में चोट है, तो दर्द नहीं होगा? और हम जाते थे साले, अकेला देख के पीट दिया। ये फालतू में मार के गए, एक एक को देख लूंगा मैं। बेफालतू में? पर पूरे अस्पताल में तो बात चल रही है कि तूने रेप किया है। हो मैडम, तेरा इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है ना। अपना सामान समेट ले और चुपचाप यहाँ से निकल ले। हाँ मेरा काम हो जाएगा तो मैं तो चली जाऊंगी। पर ओ बस कर, माफ कर दे, मैंने पहले ही बहुत परेशान हूँ मैं। अगर तेरे को मेरी बात समझ में ना आ रही ना, उल्टा सीधा सुन लेगी मेरे से। ये बोरिया बिस्तर समेट और यहाँ से खिसक। जब हमारे घर वाले आए तुम्हारे को उठाएंगे, ठीक है? हाँ जब आएंगे तेरे घर वाले तो बता देंगे ना तुझे। वो तो पूरे अस्पताल में बात चल रही थी तो मैंने सोचा तुझे से पूछ लूं। नहीं किया क्या तूने रेप? ये रेप शेप ना मेरे समझ में नहीं आते। मैंने तो लड़की देखी, मूड बन गया तो उठा ली, समझी? गलती बस इतनी हो गई, इस बार पकड़ा गया मैं। मतलब तूने इससे पहले भी रेप किया है? हो मैडम, ये रेप शेप लड़ाई झगड़े ये सारे हमारे रोज के काम है। इन चक्करों में तू मत घुस, थोड़ा काम कर, उस पर ध्यान लगा, निकल यहाँ से। तो तुझे कभी पुलिस पकड़ के नहीं ले गई? किसी ने रिपोर्ट नहीं की? ओ मैडम, इन चीजों की रिपोर्ट ना होती, ये लड़कियां रिपोर्ट कराने लग गई तो बदनामी ना होगी क्या इनकी? एक बात बता, शादी हो जाएगी क्या इनकी? फिर हम ना डरते किसी से मैडम, ये रिपोर्ट हमारा बापू अपने आप देख लेगा। तुझे जरा भी नहीं लग रहा ना तूने कुछ गलत किया है? गलत करेंगे तो लगेगा ना गलत किया है। गलत हम ना है, गलत है ये लड़कियां। सारे इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के पूरे शहर में घूमे नंगापन बना के, उनको तो कोई गलत ना बोलता, हमको सब गलत बोल रहे हैं। उस लड़की ने कोई छोटे कपड़े नहीं पहने हुए थे, स्कूल के सूट में थी वो लड़की। अच्छा। और स्कूल की बच्ची थी। अच्छा, स्कूल की बच्ची थी। ये स्कूल की बच्ची है ना, असली मसाला इन बच्चियों में ही हुआ है। ये स्कूल की बच्चियां चार चार बॉयफ्रेंड बना के आंटती है मैडम, तुम्हें ना पता। साड़ी जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये मजे ले रही थी तब तो किसी था ना वो, जो साले हमने मजे ले लिए तो आगे सारे वकील बन गए। मैडम हम तो यूं ही मजे लेते आए हैं और यूं ही लेते रहेंगे, हमें ना फर्क पड़ता इन चीजों से। इतना कुछ हो गया तेरे साथ पर तेरी हेकड़ी नहीं गई, बड़ी हिम्मत है तुझमें। हेकड़ी की बात ना करिए मैडम, हेकड़ी बहुत है। हमारे बापू कहा था हमारे घर पे, और जब तरह हमारी हिम्मत देखनी हो ना तो अकेले में लियो, दिखा देगा धारे को हिम्मत। क्या 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 बोला तूने? तू अकेले में हिम्मत दिखाएगा? बेटा तुझे पता नहीं है तेरे साथ हुआ क्या है। ओ मैडम ऐसा कुछ ना हुआ हमारे साथ, ये चोट वोट तो लगती रहती है, हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिया, कितना उखाड़ा किसी ने? ये चद्दर हटा के देख, फिर समझ आएगा तुझे तेरा क्या उखाड़ा है। हटा। आई समझ में? समझ नहीं आ रहा तो हाथ लगा के समझ ले कि क्या उखाड़ लिया तेरा। तेरा सामान उखाड़ ले गए वो लोग। ओहो कितना गलत हो गया। वरना बाहर से पता चल जाएगा तेरे साथ क्या हुआ है। सोच तेरे घर वालों की कितनी बदनामी होगी। हाँ अरे तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा, बस दिक्कत एक ही बात की है कि तुझसे शादी करेगा कौन? चुप चुप निकल यहाँ से, बाल काट दे तू बेटे को। चुप रो क्यों रहा है तू? मजे लिए थे ना तूने तो भुगत। तो जैसे जानवरों को समझाने का ना यही तरीका है, समझा? और अकेला नहीं है तू इस अस्पताल में, और भी मरीज है, इसलिए बाकियों को परेशान करने की जरूरत नहीं है।
ये चक्कर ओढ़ और चुपचाप पड़ा रहे। एक आवाज नहीं चाहिए तेरे मुंह से।